वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार के राज्य मंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजना का गुणगान किया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड एक गेस्ट हाउस में भाजपा की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजित पाल ने जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की जन कल्याण योजना किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान बीमा योजना, इज्जत घर योजना, विदेशों में भारत का सम्मान का गुणगान किया। सभा को मीनाक्षी लेखी केंद्रीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री संबोधित करते हुए सभा को अजीत पाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है तो इस देश के अंदर मात्र 12 करोड़ से कम खाते थे। मैं 12 करोड़ का आंकड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, 10-20 लाख कम ही थे, 11,83,000 थे। तो 10-20,000 कम मतलब 12 करोड़ ले लेते हैं, मोटा मोटी 12 करोड़ मान लेते हैं। 100 करोड़ के देश में ऐसे अतीजा जी जैसे भी परिवार थे, अजीत सिंह जी जैसे भी परिवार थे, जहाँ एक परिवार में 3-4 खाते भी होंगे, मगर बावजूद इसके पूरे देश के अंदर मात्र 12 करोड़ खाते थे भी। 100 करोड़ से ऊपर का देश, 120 करोड़ लोगों का देश, जिसके अंदर खाते कितने थे, 12। कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको कभी सरकार मकान बना के देगी? और आज की खबर, जो यहाँ पे माफिया राज किया करते थे, लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, लोगों का जनता का शोषण किया करते थे, उनकी जमीन पर भी सरकार ने तय किया है गरीबों को मकान बना के देंगे। मैं बार बार सोच रही थी कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर जो पूर्व में नेता रहे, जिन्होंने पूर्व में देश की में भी सरकार चलाई, प्रदेश में भी सरकार चलाई, उनका खुद का कहना था कि दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो पहुंचते पहुंचते 15 रुपए रह जाते हैं, ठीक है। अब जब इतिहास लिखा जाएगा मोदी जी का, इस देश का, और मोदी जी के समय काल का, योगी जी के समय काल का, तो क्या लिखेंगे कि भाई 100 चलता था 100 पहुंचता था, लिखा जाएगा या